गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे द टॉपिक फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। क्वाड्रेटिक यानी टू पावर, हाईएस्ट डिग्री ऑफ टू ऑफ एनी पॉलीनोमियल इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक। तो यहां पर जो पॉलीनोमियल जो हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक का फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि सी, ये सी जो होता है, सी का दो प्रकार होना चाहिए कि हम दोनों नंबर यानी ए और बी, ए इंटू बी और सी ए प्लस बी, यानी ए इंटू बी हो तो इतनी वैल्यू होनी चाहिए, और ए प्लस बी हो तो ये इतनी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि आपके फॉर्मूले के द्वारा भी हम दिखाएंगे, आपको क्वेश्चन के द्वारा देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस 24। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया ये, प्लस ये बी एक्स है, माइनस ये सी है। ठीक, अब हम इसको फाइव को इस 24 से के फैक्टर के द्वारा हम ऐसे दो नंबर निकालेंगे जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन फाइव होना चाहिए। जैसे कि 24 के जब हमने फैक्टर किए ये हो गए इसके, अब इन्हीं फैक्टर से मुझे ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका डिफरेंस या एडिशन फाइव हो। तो अब यहां पर देखेंगे हम, टू टू जा फोर, टू जा एट, और ये थ्री, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना हो जाएगा, फाइव। एट माइनस थ्री इक्वल फाइव, और अगर हम एट इंटू थ्री कर दें तो एट थ्री जा 24 आ गया। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म बन गया, ये वाला फॉर्म बन गया। अब इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फाइव को भी हमने कैसे किया था कन्वर्ट, एट माइनस थ्री माइनस 24। तो यहां पर हम आप ब्रैकेट को खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस 24। ठीक है, अब क्या करते, देखो यहां पे वन टू थ्री, थ्री टर्म्स थे मेरे पास। अब थ्री टर्म्स के तो हम फैक्टर हो नहीं पा रहे क्योंकि इसके पेयर नहीं बन पाएंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, फोर टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे इसका। ठीक है, जब हमने ये कन्वर्ट कर लिया तो हम क्या करते, मेरे पास टू पेयर बन जाते, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। अब इस पेयर में क्या कॉमन और इस पेयर में क्या कॉमन है, वो निकालना दोनों में से। तो यहां से मुझे केवल कॉमन मिल रहा एक्स, तो यहां हो गया एक्स प्लस एट, यहां से मिल गया माइनस का थ्री कॉमन। जब माइनस थ्री कॉमन मिल गया तो एक्स थ्री एट जा 24। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम बने, तो इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट हम कॉमन ले लेते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में जो हमने पहले कॉमन ले रखे थे वो। इस प्रकार से हमारे फैक्टर बनके तैयार हो गए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। आप देखेंगे क्वेश्चन आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फोर अंडर रूट टू। अब यहां पर ए एक्स स्क्वायर, ये ए आ गया, ए की वैल्यू हो गई यहां पर, जो भी आपका कांस्टेंट होगा वो ए होगा।
ठीक है, तो यहां पर कॉन्स्टेंट है अंडर रूट टू। अब हम क्या करेंगे, ए इंटू सी, ए इंटू सी करेंगे, ए और इंटू सी, तो हमें क्या हो गया, टू अंडर रूट टू इंटू फोर अंडर रूट टू इक्वल कितना हो जाएगा, फोर टू जा एट। ठीक है, तो अब जब इनके हमने कर लिया तो यहां पर अंडर रूट एट आ गया। अब एट के फैक्टर करना है मुझे, तो जब हम एट के फैक्टर करते तो यही तो होते हैं। अब जब ये फैक्टर हो गए तो इसमें से नाइन तो हमें मिल ही नहीं रहा कहीं से भी, क्योंकि वो तो केवल एट ही है। तो यहां पर हम ऑल फैक्टर्स का रूल्स प्रयोग करके और एट बन जा एट भी कर लेते, तो ये एट और प्लस वन हो जाएगा हमारा नाइन। ठीक है, तो यहां से हम चलते हैं अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फोर अंडर रूट टू। अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, नाइन को हमने डिवाइड कर दिया एट प्लस वन में, प्लस फोर अंडर रूट टू। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस एक्स प्लस फोर अंडर रूट टू। अब यहां से जब हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, तो देखो हमने यहां एट के फैक्टर जब किए थे आपको, तो टू इंटू टू इंटू टू, अगर आपसे पूछा जाए टू के फैक्टर करो तो क्या हो जाएंगे, टू के फैक्टर हो जाएंगे अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू। तो यहां पर भी अंडर रूट टू है और यहां पर भी अंडर रूट टू है, ठीक, इंटू एट। ठीक है, तो वही चीज हमने यहां से अंडर रूट टू एक्स ले लेते कॉमन, अंडर रूट टू एक्स ले लिया कॉमन, तो यहां पे बचा एक्स प्लस। अब देखो यहां से हमने अंडर रूट टू कॉमन में चला गया, तो मेरे पास क्या बच गया, फोर अंडर रूट टू बच गया, तो यहां पर लिखेंगे फोर अंडर रूट टू प्लस, यहां पे कोई चीज कॉमन नहीं है तो हम प्लस का वन कॉमन लेते हैं, तो यहां पर भी एक्स प्लस फोर अंडर रूट टू हो गया। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, बस एक्स प्लस फोर अंडर रूट टू एक बार और दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट टू एक्स प्लस वन, ये हमारा हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म से। दो क्वेश्चन हो गए दोनों प्रकार से। तो लीजिए अब आपका होमवर्क है, आज इन्हीं दोनों टाइप से क्वेश्चन के होमवर्क। फैक्टराइज़